ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वेदर वहाँ पे, बल्कि देख रहे होंगे कितनी मिस्ट, यू कांट इवन सी द आईफिल टावर, कुछ नज़र नहीं आ रहा, सब जगह धुंधला ही धुंधला है. इट इज़ अ ब्यूटीफुल वेदर, मतलब इतना मज़े का हुआ है ना, अभी अच्छी हवा चल रही है, चीज़ें हैं, रात भर बारिश भी हुई है. As you can see, ये ड्यू नहीं है, ये बारिश ही है. And it's just amazing. So I am looking forward to the month of August. August हमेशा बहरिया में भी, कराची में भी मज़े का होता है. मेरी हालत वालत वगैरह थोड़ी बिगड़ी हुई है, इसको सॉर्ट करेंगे और फिर आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. ऑलराइट, सो शाम का वक्त हो रहा है, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं यहाँ बस फैमिली के साथ इधर पी सिंह 22 के डैम के ऊपर आया हुआ हूँ. इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज़ अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस. और अभी मौसम की वजह से और भी बहुत सारी चीज़ें बेटर हो चुकी हैं. एनीवेज गाइस, सो खैर, मैंने डिस्कस करना है आज की वीडियो में, जैसे टाइटल में आपने देख लिया होगा कि 125 yards की construction cost in Periyar Town, Karachi. तो for those people once again, कि जो कि पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते क्योंकि obviously मैं इसके अंदर कुछ multiple चीज़ों के हवाले से बात करूँगा. Yes, so for those people जो कि पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते, उनको मैं रेंज बता देता हूँ. देखो 125 yards Periyar Town, Karachi में, ये basement वेसमेंट सबको हटा उठ के है, वो तकरीबन 90 lakh onwards start हो जाता है. 90 lakh meaning obviously सबसे हल्का, सबसे गंदा मटेरियल, सबसे चीज़ें, एंड ऑब्वियसली वो घर बन जाएगा, जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियो के अंदर बोला हुआ है. लेकिन उसके अंदर वो साल, डेढ़ साल, दो साल के अंदर आपको तंग करना शुरू कर देगा. तो ये तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट कि मतलब सबसे कम में 90 lakh ऑनवर्ड्स आपसे स्टार्ट हो जाता है, जो अच्छा घर बनता है, मतलब जिसमें ज़ाहिर है हाई क्वालिटी चीज़ें लगी हुई हों, अच्छा डिज़ाइन हुआ हो, थोड़े शशके हों, थोड़ी चीज़ें हों, तो वो तकरीबन आपको 125-130 अपने जहन में रखना होगा. और उससे ऊपर आप तो मतलब 1.5 करोड़ ले जाएँ, 2 करोड़ ले जाएँ, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, उसमें कोई रुकावट नहीं है. मेन थिंग वो ये है कि 125-130 के ऊपर आप बहुत हाई एंड चले गए, यू आर ऑब्वियसली पुटिंग इन अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, और वो सारी चीज़ें उसके अंदर हैं. टॉप ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन्हीं ब्रांड्स के अंदर वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा होती है, तो डेफिनेटली आप कम की तरफ भी आ सकते हो. तो 110-115-120 इस रेंज के अंदर सारा का सारा मामला चलता रहता है. ये फिर से मैं वापस से वही बात बोलूँ कि देखो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को चेक करना या उसको इस तरीके से लेके चलने में कि मतलब हमने सिर्फ कॉस्ट को देख लिया, वो मायने नहीं रखता. मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो कि पहला सवाल जो आपने अपने आप से पूछना होता है, वो ये कि हम करना क्या चाह रहे हैं, वॉट इज़ इट दैट वी वॉन्ट टू डू, हमारा घर का डिज़ाइन कैसा होना है, क्या हमने सिर्फ एक बजट ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है या हमने कोई दूसरी अप्रोच उसके अंदर बिल्ड करनी है. तो इस टाइप की सिचुएशंस को ना हमने साथ साथ अपने, जब भी हम कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहे होते हैं या घर बनाने के हवाले से सोच रहे होते हैं, तो इन चीज़ों को इस पॉइंट के ऊपर अपने जहन में रखना होता है. अब यहाँ से जब स्टार्ट होता है, तो द फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने पहली वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू सॉर्ट इज़ द डिज़ाइन, कि मतलब आखिर आपके घर में है क्या, किस्तें कमरे हैं, क्या चीज़ें बन रही हैं, क्योंकि एक कमरा भी इंक्रीज़ होने से ना आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ होती है. लोग इसमें एक सवाल ये पूछते हैं कि भाई कमरा इंक्रीज़ होने से कॉस्ट कैसे इंक्रीज़ होती है. तो कमरे में तो खैर इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन कमरे के साथ अगर अटैच बाथरूम है, तो बाथरूम ही सबसे ज़्यादा कॉस्ट लेके जाता है, तो उसकी वजह से चीज़ें चेंज हो रही होती हैं. सो दैट इज़ वाई द फर्स्ट थिंग दैट आई रिकमेंड इज़ कि आप सबसे पहले ये डिसाइड करें कि वॉट इज़ इट दैट यू वॉन्ट टू डू, करना क्या चाह रहे हैं आप, डिज़ाइन किस तरीके का है, क्या फॉर्मेट्स हैं, और उन चीज़ों को कैसे लेके चलना है. ओके, तो बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ जमा होना शुरू हो गई हैं, मैं थोड़ा साइड में चलता हूँ, हवा भी बहुत तेज़ है, सो आई डोंट नो कि आप सही तरह सुन सकेंगे कि नहीं. सो एनीवेज, हम डिज़ाइन की बात कर रहे थे कि द फर्स्ट थिंग जो कि आपको करनी चाहिए वो है डिज़ाइन, और डिज़ाइन सर्विसेज भी डिज़ाइनर होम्स ऑफर करता है. तो अगर आप अपना घर का डिज़ाइन बनवाना चाह रहे हैं, विच इंक्लूड्स द आर्किटेक्चर ड्राइंग, वर्किंग प्लान्स, स्ट्रक्चर ड्राइंग, MEP, ऑल ऑफ दीज सर्विसेज ये हम प्रोवाइड करते हैं. ऑब्वियसली ये आउटसोर्स होती हैं चीज़ें, जिसमें डिज़ाइन और लेआउट मैं खुद पर्सनली इन्वॉल्व करके उसका जो लेआउट बनाना होता है अपनी आर्किटेक्ट्स के साथ, उन सब के साथ बैठ के खुद मैं पर्सनली उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, क्योंकि मज़ा आता है. लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग,
जो घर की जो असल एसेंस है ना वो उसके डिज़ाइन फेज़ के अंदर होती है। देखो कंस्ट्रक्शन तो हो रही है, कंस्ट्रक्शन में लेबर बना रही है, कुछ ऊंच नीच हो सकती है अपनी जगह, लेकिन जो डिज़ाइन अगर आपका सही तरीके से वेल थॉट आउट हो ना तो वो लेटर ऑन जाके जो डिसीजंस के अंदर कभी कभी लोगों को मसला होता है ना कि यार हमने ये कर दिया वो कर दिया, इसको लाके चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, उससे आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है, चीज़ भी ख़राब होती है और मतलब वो क्वालिटी कभी भी उस तरीके से नहीं आ सकती। उसका रीज़न ही ये है कि एक प्री प्लान्ड चीज़ बहुत बेहतर होती है और एक बिल्कुल हैप हैज़र्ड, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो ऐसे नहीं, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट एवरीवन, इक्का दुक्का लोगों के अलावा, वो भी बिल्कुल शुरू के क्लाइंट्स से जब मुझे ख़ुद भी नहीं पता था कि कैसे डील करना है, तो वो इक्का दुक्का के अलावा हर बंदा प्री प्लान्ड चीज़ों के ऊपर बिलीव करता है और वो अच्छा खासा इस बात पे तावन करते हैं कि अगर एक दफ़ा एक चीज़ प्लान हो गई और एग्जीक्यूट हो गई तो उसके अंदर अगर चेंजेस करने हैं तो उसकी फिर कॉस्ट वगैरह चीज़ें वो सब उसमें काफ़ी मतलब सपोर्टिव होते हैं। लेकिन मैंने मेजॉरिटी बहुत सारे जगहों पे देखा है कि मतलब वो इस चीज़ को सही तरीके से नहीं लेके चलते। सो दैट इज़ वाई देखो डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और तभी जो नंबर्स हैं ये पीछे भी स्क्रीन पे आ गया होगा, वैसे भी आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पूरे NOC प्रोसेस के हवाले से। नाउ कमिंग बैक टू 125 यार्ड्स और उसकी कंस्ट्रक्शन। ऑलराइट, सो अब जैसे आपका डिज़ाइन एक तरीके से आपने फाइनलाइज कर लिया, ऑब्वियसली मुझसे करें किसी से भी करें, मैं भी सर्विसेज देता हूँ, बाकी भी और लोग देते हैं, तो वंस आपका डिज़ाइन फाइनलाइज हो जाए नाउ यू मूव ऑन टू द कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग के अंदर करने के दो मेथड्स हैं, जैसे मैंने बताया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में भी, फिर से रिपीट करता हूँ। हम इसको इस तरीके से लेके चलते हैं कि एक मॉडल है बजट बेस्ड मॉडल कि जिसमें आप बताते हैं कि यार तैमूर मेरे पास 1 करोड़ का बजट है और इसी में ही हर चीज़ करनी है, तो उसकी मेंटालिटी अलग होगी। और इसी तरीके से दूसरा मॉडल है विच इज़ कि लेबर और मैनेजमेंट में आपसे चार्ज करूं, बाकी मटेरियल पूरा फिक्स्ड होता है। पहला मॉडल किन लोगों के लिए बेहतर है, दूसरा मॉडल किन लोगों के लिए बेहतर है, इसको आप ज़रा डिस्कस करते हैं। पहला मॉडल उन लोगों के लिए बेहतर है जो कि ऑब्वियस सी बात है कि जिनका बजट मेन कंस्ट्रेंट है, और बजट कंस्ट्रेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब ऑनेस्टली जितना मुश्किल होता है ना घर के लिए पैसे जमा करना, ये ज़ाहिर है आप सुनने वाले हर तरीके से इस चीज़ को समझते भी होंगे। सो इसलिए जब बजट इज़ द मेन थिंग तो आपकी हर चीज़ उस तरीके से डिफ़ाइन होती है, आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं अपने बजट्स में और कुछ ख्वाहिशात हैं उनको अपनी मारते हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ कि ये वाली अप्रोच से ना आप ग्रे स्ट्रक्चर ज़रूर स्टार्ट करें और उसको आगे लेके चलें। देखो फिनिश के अंदर कुछ चीज़ों में पैसे बचाने चाहिए, कुछ चीज़ों में नहीं चाहिए, वो मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि कहाँ बचाना चाहिए कहाँ नहीं, ताकि फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 करोड़ का बजट लेके भी चले थे, एंड में अगर 2-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं और उससे वन टाइम फॉर एवर के लिए एक चीज़ अच्छी आ रही है तो आई थिंक कि लोग इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन फिर भी जाहिर है अगर बजट ही मेन चीज़ है और अगर उसमें सही नहीं निकल पा रहा तो फिर उनको वैसा लेके चलना पड़ेगा। अब आ जाती है दूसरी अप्रोच जो कि है कि मैं फिक्स कॉस्ट आपसे चार्ज करूँ लेबर और मैनेजमेंट की मद में, और जो भी मटेरियल हो वो वेरिएबल हो। अब इसको हम मल्टीपल मेथड्स के ऊपर लेके चल सकते हैं, जिसके अंदर नंबर 1 है वो एक लेजर बेस्ड सिस्टम, नंबर 2 ये है कि डायरेक्ट मतलब जो वेंडर्स हैं सप्लायर्स हैं उन्हीं के अकाउंट के अंदर पैसे जाएं, और जो लेबर और मैनेजमेंट के हैं वो मेरे अकाउंट के अंदर आएँ, या फिर इसके अंदर एक दूसरे से बात करी जा सकती है। क्योंकि देखें इन दी एंड आपका भी वही मकसद है, मेरा भी वही मकसद है कि हमने अच्छा घर बनाना है, अच्छे तरीके से बनाना है। मटेरियल चीज़ें वो चेंज हो रही हैं, वो ज़ाहिर है मटेरियल जिस क्वालिटी का होगा उसी लेवल की चीज़ बनेगी, बट जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं ये सब इजीली एक दूसरे से बात करी जा सकती है। और मेन मकसद ही आपका भी यही है कि मतलब एक दूसरे का सिस्टम्स ऐसे बने कि जिसमें आपको भी नुकसान ना हो, मतलब इन द सेंस के इतने ज़्यादा पेमेंट्स आगे ना आ गई हों कि काम पूरा ना हो रहा हो और मुझे भी नुकसान ना हो कि मैं भी इस चीज़ के ऊपर परेशान ना हूँ कि यार पता नहीं मैंने काम कर दिया मुझे पेमेंट मिलती है कि नहीं मिलती। सो जो हमने मेथड्स बनाए हुए होते हैं ना वो इसी तरीके से होते हैं कि दिस बिकम्स वेरी इजी, ये बहुत फ्लेक्सिबल मामलात होते हैं, हम हर किसी की सिचुएशन को समझते हुए मैं इसको आगे लेके चल रहा होता हूँ। तभी मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी कहा था, अभी भी मैं यही बोलूँगा कि मेरा जो मशवरा है ना ये फ्री है, मतलब आप में से कोई भी बंदा हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने बहरिया के सारे घर नहीं बनाने, और आप भी जितने भी सुनने वाले हैं वो सब के सब मेरे साथ नहीं आएंगे। हाँ, जो मेरी दुआ है कि या अल्लाह मेरे जो हक़ में बेहतर हो और मैं जिनके हक़ में बेहतर हूँ उन्हीं लोगों को जोड़े, तो वही लोग आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। सो दैट इज़ वाई मशवरा लेने के लिए
या कोई डिस्कशन करनी है, किसी बिल्डर से भी बनवा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं अगर उस हवाले से, इफ़ यू हैव, इफ़ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन या आप कोई गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ मार्केटिंग भी यही साथ साथ लेते चलूँ कि अगर आप अपना घर बनवाना चाह रहे हैं बहरिया टाउन कराची में, तो यही नंबर है, इसके ऊपर आपने मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है। डू नोट, मैं कभी कभी कॉल्स में यूजली, वैसे कभी कभी क्या, मैं यूजली कॉल्स ही नहीं उठाता, उसकी वजह ये होती है कि मैं कभी किसी जगह पे होता हूँ, कभी किसी सिचुएशन में होता हूँ। सो दैट इज़ वाई, वो सब छोड़ें, बस एक रिक्वेस्ट यही है कि आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। इसमें ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि हमारी सबसे बड़ी जो USP है, मतलब द बिगेस्ट यू एस पी दैट वी हैव इज़ कि हम दुनिया के किसी भी कोने में आप हो ना, अभी तक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 80% प्रोजेक्ट्स इसी तरीके से बने हैं, लोग आए भी नहीं हैं देखने, और ये अल्लाह का एहसान है कि उसने एक इज़्ज़त और एक ब्रांड और एक सारी चीज़ों को अपनी जगह मेंटेन रखा है कि जिसमें वो हम पे ट्रस्ट करते हैं इस चीज़ पे कि हम उनकी चीज़ के अंदर ना दो नंबरी करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पैसे नहीं कमाने, मैंने जो कमाने हैं मुँह पे बोल के कमाऊँगा, पीछे से दो नंबरियाँ करके, इन सारी चीज़ों के ऊपर नहीं। तो इसलिए हमारी जो बिगेस्ट USP है वो यही है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, इंटीग्रेशन हैं, चीज़ें हैं, उन सब में बैठे हुए आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप यहीं पर ही हो। और फॉर दोज पीपल जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए ये बेस्ट है, फॉर दोज पीपल जो कि जॉब गोइंग पीपल हैं उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट होता है कि वो टाइम नहीं दे सकते। और ऑनेस्टली देखो, कंस्ट्रक्शन जब हो रही होती है ना तो उसमें बहुत ख्वारियाँ भी होती हैं। मतलब सिंपल सी बात है, एक ठीक है, एक विज़िट जो होता है ना फैमिली के साथ आके देखना, वो घंटे दो घंटे का होता है, लेकिन हर बंदा इसको सही तरीके से टाइम नहीं दे सकता। इवन हम लोग भी जब देखते हैं ना, तो मैं अलोन इंडिविजुअल लेवल पे कभी भी इस चीज़ को पूरे तरीके से नहीं संभाल सकता। सो वी नीड अ टीम एंड वी नीड पीपल जो कि इस फॉर्मेट को अच्छे तरीके से लेके चलें। बाय द वे, दिस इज़ द डैम, और ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है बहरिया की कि ये स्टॉर्म, मतलब सारा जो बारिश होती है ना उसका पानी इस जैसे मल्टीपल और भी बहुत सारे डैम्स हैं उसके अंदर आता रहता है। तो एनीवेज, बैक टू द वीडियो, अगर आप अपना घर बनवाना चाह रहे हैं ऑनेस्ट तरीके से, सही तरीके से, बग़ैर सर दर्द के, बग़ैर किसी दूसरे ड्रामों के, तो इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें एंड दैट्स दैट। सो होपफुली आपको अपने 125 यार्ड्स की जितनी कॉस्टिंग्स हैं, चीज़ें हैं, वो थोड़ी बहुत समझ आ गई होंगी। इसके ऊपर देखें, डिटेल में बात करना ज़रूरी है, तभी मैं यही बोलता हूँ कि कंसल्टेशन मेरी पहली फ्री है, मतलब इस सेंस में कि उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि जब तक आप मेरे साथ बाउंड नहीं होंगे, पैसे नहीं देंगे, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। नहीं, कंसल्टेशन इज़ फ्री। उस कंसल्टेशन के अंदर है ना, हम मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। उस कंसल्टेशन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि जो कि आपको हेल्प कर सकती है अपने नेक्स्ट बिल्डर की तरफ जाने के लिए, या मुझे अगर सेलेक्ट करना है तो उसको करने के लिए। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सो डिस्कस योर डिटेल्स, अगर मुझसे करना चाह रहे हैं मुझसे करें, या जिस बिल्डर के ऊपर भी आप ट्रस्ट करते हैं उनसे करें, ताकि एक वायबल प्लान बने। सिर्फ इस तरीके से सिस्टम नहीं चल सकता कि आपने बस व्हाट वुड आई से एक बस कॉस्टिंग्स ले ली इधर उधर से, और उस बेसिस के ऊपर अगर आपका बजट मेन कंसर्न है, सो डिस्कस दैट, ताकि उसको उस तरीके से लेके चला जा सके, रादर देन कि आप किसी ऐसे बंदे के हत्थे चढ़ जाएं जो कि पैसे भी आपसे ज़्यादा ले और इन दी एंड मतलब दो नंबरी करके काम कर रहा हो। क्योंकि देखो, जेब से कोई भी नहीं लगाता, मैंने बहुत दफ़ा यहाँ देखा है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक ही पाकिस्तान केबल के मल्टीपल चीज़ें, मतलब पूरी पूरी फैक्ट्रियाँ हैं कि जहाँ ठप्पे लग रहे होते हैं। सो जो भी बंदा, मैंने अभी तक यही देखा कि जो भी बंदा जैसे कोटेशन के अंदर लिख देता है ना कि यार ये मटेरियल होगा, अगर वो इस बात की गारंटी हो रही है तो फिर हमारी ये इंडस्ट्री इतनी बदनाम नहीं होती। मतलब लोग यहाँ पे यही तो करते हैं, बोलते कुछ हैं, लगाते कुछ हैं उसी ब्रांड के नाम से, उसी चीज़ों के नाम से। तो ये आपके ऊपर है, मैं ऑब्वियसली डरा नहीं रहा हूँ, एक रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री है, मुझे पता है कि यहाँ पर हमारे पास कितने मौके होते हैं दो नंबरियाँ करने के। तो दो नंबरी के एस्पेक्ट से अपने आप को बचाना है मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है पिछले 7-8 साल में ये वाली चीज़ तो नहीं हो सकी, हुई अल्लाह का शुक्र है। जो मसले हुए वो मैनेजमेंट के हुए मेरे एंड से, वही जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अप्रैल 2022 वो अजाब था, मतलब वो एक अजीब सी कहानी थी, और उसमें मैं काफ़ी फंसा भी अपनी ज़बान को पूरा करने के चक्कर में। और बहुत इजी होता दूसरे लोगों की तरह बोरिया बिस्तर बांधता भाग जाता, लेकिन नहीं, हम फेस करने वालों में से हैं, फेस ही करेंगे इंशाल्लाह, और डरते नहीं हैं इन सारी चीज़ों से। जब हक़ पर हो ना, और कुछ गलत नहीं किया हो किसी के साथ, और नियत भी यही हो कि चीज़ों को रिजॉल्व करना है, तो फिर कोई मसला नहीं हो। सो दैट इज़ वाई, बी स्मार्ट इन चूजिंग योर बिल्डर्स, डोंट गो ओनली फॉर कोटेशन। सेम टू सेम मटीरियल लिखा हुआ भी हो
तब भी वो सेम चीज़ नहीं बनती। और इन दी एंड ऑब्वियसली दुआ आपके लिए भी यही है और मेरे लिए भी यही कि जो हमारे हक़ में बेहतर हो अल्लाह उसके साथ हमें जोड़ दे। सो दैट्स दैट, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई एंजॉय द मौसम विद द फैमिली। आप लोगों को भी बोलूँगा कि मौसम अच्छा है तो इस तरफ आ जाओ ज़रा इन्जॉय करने बहरिया की तरफ लेकिन टूरिस्ट जब बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ना यहाँ पर तब भी बड़ा मसला होता है। सो दैट इज़ वाई वीक डेज़ में ट्रैवलिंग इज़ गुड, वीकेंड्स इज़ गोना बी वेरी टफ़। अभी तो समझो थर्सडे रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारे आने के बाद से ही कोई तकरीबन 8-10 गाड़ियाँ और आ गई हैं एंड बस ये वाले मामला चलते रहते हैं। तो अब और तंग नहीं करूँगा आप लोगों को, अपना ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। ओह सॉरी, अगर कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ ना मैं जैसे कॉस्टिंग में किसी चीज़ को बताने में, तो बता ज़रूर दिया करें कमेंट्स के अंदर ताकि नेक्स्ट टाइम मैं एक अपडेटेड सिस्टम उसके ऊपर लेके चलूँ। सो अब सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज़।